सीमा पर घुसपैठ कराने का पाकिस्तान का नया पैंतरा, रडार से बचने के लिए आतंकियों को दिए हीट रेजिस्टेंस ड्रेस। सीमा पर शरीर की गर्मी को पकड़ने वाली मशीन HHTI को चकमा देने की आतंकियों की कोशिश, BSF पड़ताल में जुटी। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने पर छापेमारी में साजिश की सीढ़ी पर आमद, बाढ़ और नदी वालों को पार करने में होता था इस्तेमाल, चीन में बनाई गई है सीढ़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कुलगांव में 34 राष्ट्रीय राइफल्स पर फेंके ग्रेनेड, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की गोलीबारी से तबाह हुए सीमावर्ती गांव का दौरा किया। महबूबा ने कहा सरकार बॉर्डर के लिए एक अलग से बनाएगी बॉर्डर बटालियन, इसमें सीमा के नजदीक रहने वाले होंगे भर्ती। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सेना प्रमुख ने किया खबरदार, कहा सीज फायर के दौरान अगर हालात शांत रहे तो संघर्ष विराम बढ़ाने पर भी होगा विचार। होटल में महिला संघ दिखे जाने के मामले में मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश, सेना प्रमुख ने कहा आरोप सही तो सजा उदाहरण बनेगा। श्रीनगर में घर से अगवा कर युवक की हत्या, आतंकियों ने गला काटकर घर के पास फेंका शव। जम्मू बम धमाके के बाद कटरा में सुरक्षा चाक चौबंद, वैष्णो देवी यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने साबित किया बहुमत, कांग्रेस JDS गठबंधन को मिले 117 वोट। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा जनादेश बीजेपी के लिए नहीं था, लोगों ने दिया अखंडित जनादेश। कुमारस्वामी के बहुमत साबित करने से ठीक पहले बीजेपी ने सदन से किया वॉकआउट, येदियुरप्पा ने बोला 2006 में JDS के साथ करार गलती। कांग्रेस नेता रमेश कुमार को कर्नाटक विधानसभा का चुना गया निर्विरोध स्पीकर, आखिरी वक्त पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस लिया। येदियुरप्पा ने कुमार स्वामी को दी चुनौती, किसानों का कर्ज नहीं हुआ माफ तो 28 मई से राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शांति निकेतन में बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया। शांति निकेतन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं यहां एक अतिथि नहीं बल्कि चांसलर या आचार्य के तौर पर आया हूं। शांति निकेतन से आई कुछ दिलचस्प तस्वीरें, फोटो सेशन के लिए ममता बनर्जी से राज्यपाल को पीएम के सामने से हटाया। हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी भी ममता बनर्जी को देते नजर आए हिदायत, रुक कर दूसरे रास्ते से आने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा, एम्स समेत 27,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। बंगला बचाने के लिए BSP चीफ मायावती का नया ऑफर, सीएम को पत्र लिखकर आवास को काम स्थल में बदलने का निवेदन किया। जयपुर में कांग्रेस का बूथ कार्यक्रम चढ़ा, गुटबाजी की भेंट, दो गुटों के बीच जमकर चली कुर्सियां, हाथापाई के बाद पुलिस ने बीच बचाव किया। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया से पुलिस ने की पूछताछ, कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को धमकी, पुलिस ने MP के सतना से आरोपी को दबोचा। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त करने पर उठे सवाल, बीजेपी ने भाई भतीजेवाद का लगाया आरोप। यूपी के बिजनौर में पकड़ी गई अवैध हथियारों की फैक्ट्री, कई देसी तमंचे के साथ तीन गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में दो होमगार्ड की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, सेवा से बर्खास्तगी की सिफारिश। कानपुर में पावर प्लांट में मजदूर की मौत के बाद बवाल, मौके पर पुलिस और PSC तैनात। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार रोडवेज की बस सीमेंट मिक्सर ट्रक से टकराई, हादसे में 24 यात्री घायल। यूपी के बाराबंकी में पशुओं से भरे ट्रक कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा, मौके से ड्राइवर फरार। यूपी के फरुखाबाद में थाने में झुलती मिली सिपाही की लाश, परिवार वालों ने खारिज की खुदकुशी की थ्योरी। रेप के बाद इंसाफ न मिलने पर फरुखाबाद के थाने में लड़की ने की केरोसिन तेल कर आत्मदाह की कोशिश, ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने बचाया। यूपी के हमीरपुर में फिर रिक्शे पर शव ले जाने से सनसनी, एम्बुलेंस के सरकारी दावों की खुली पोल। यूपी के कौशाम्बी में आंधी तूफान में गई दो लोगों की जान, केला की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान। मथुरा जेल में सरकारी दवाइयां खाने के बाद 7 महिला कैदियों की बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में 4 अस्पताल में भर्ती। आगरा अलीगढ़ हाईवे में हाई वोल्टेज ड्रामा, पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की जमकर धुनाई की। यूपी के लखीमपुर खीरी में पत्नी ने की पति की हत्या, वारदात में बच्चे भी शामिल, पत्नी और बच्चे फरार। यूपी के बुलंदशहर में डिस्कोथेक के नाम पर डांस बार का भंडाफोड़, पुलिस ने किया सील। यूपी के संत कबीर नगर में हाई टेंशन बार की चपेट में आकर एक की मौत, 3 बुरी तरह झुलसे। यूपी के नोएडा में खाद्य आपूर्ति और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 600 बोरी सरकारी गेहूं बरामद, 1 गिरफ्तार। बोधगया ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट का फैसला, सभी 5 आरोपियों को दोषी करार। पटना के पास सोन नदी के किनारे अवैध देसी शराब बनाने के ठिकानों पर छापा, 1,000 लीटर देसी शराब जब्त।
पटना के कृष्णा घाट के पास दो नाव के बीच टक्कर, हादसे में एक बच्चे की डूबने से मौत। मुजफ्फरपुर में एक्स बॉयफ्रेंड ने लड़की की तस्वीर वीडियो वायरल करने की दी धमकी, एसएसपी ने लिया संज्ञान, केस दर्ज। आरा सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही के बाद बवाल, मरीजों के परिवार वालों ने तोड़फोड़ की, दो गिरफ्तार। हाजीपुर में करनी सेना के जिलाध्यक्ष की हत्या के विरोध में सड़क जाम और आगजनी, हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर लोगों का गुस्सा भड़का। बिहार के मोतिहारी में बर्फ की फैक्ट्री में आग, गैस सिलेंडर लीक होने से घंटे भर में खाक हुई फैक्ट्री। एमपी के रायसेन में गेम खेलते वक्त फटा मोबाइल, तीन बच्चे घायल। मथुरा में बाइक सवार युवक की धुनाई, लोगों ने युवक को गलतफहमी में चोर समझकर मारा पीटा। उधम सिंह नगर में चेकिंग के दौरान 1 करोड़ की ड्रग जब्त, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के भारत बंद के दौरान उत्पाद तेंदुपत्ते से भरा एक ट्रक आग के हवाले किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में वन डिपो पर नक्सलियों का हमला। बस्तर में महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़। बस्तर में महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में आईटीबीपी के 3 जवान गिरफ्तार, लड़कियों को कैंप में खींचने का आरोप। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से 2 तस्कर गिरफ्तार, भारी तादाद में जानवरों के अवशेष बरामद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आंधी तूफान के बाद बड़ा हादसा, मिनी हाइड्रो प्लांट में घुसा पानी, संयंत्र को भारी नुकसान। झारखंड के रामगढ़ में बस पलटी, हादसे में 40 यात्री हुए घायल, तेज रफ्तार हाइवा डंपर की बस से टक्कर के बाद हादसा। रामगढ़ में हाथी ने एक बुजुर्ग महिला की ली जान, पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा। झारखंड के लातेहार में 52 घंटे में 5 लोगों की मौत से दहशत, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर तैनात। लातेहार में नक्सलियों का उत्पात, बीड़ी पत्ता ने से जुड़े ठेकेदारों और मजदूरों की पिटाई, पुल का काम भी रुकवाया। झारखंड के गिरिडीह में पति पत्नी की गला दबाकर हत्या, मुखबिरी बताकर नक्सलियों ने शिकार बनाया। राजस्थान के बीकानेर में 12वीं की परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम। राजस्थान के अलवर में कचरे के ढेर में 2 भ्रूण मिलने से सनसनी, पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के बारा में 1 महीने में 3 लहसुन किसानों ने की खुदकुशी, कर्ज में दबे होने की वजह से उठाया कलर। राजस्थान में दिखने लगा गर्मी का साइड इफेक्ट, पार्वती नाम का नदी का प्रवाह थमा, नदी सूखने से प्राकृतिक जल स्रोतों पर संकट गहराया। अलवर में नाले में पलटी बस, 25 यात्री घायल। दिल्ली में अपराधी बेखौफ, दिन दहाड़े जिम में घुसकर युवक को मारी गोली। तुगलकाबाद में घर में घुसकर मारपीट, 2 महिला समेत 4 लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के जनकपुरी में खून से लथपथ मिली 70 साल की बुजुर्ग महिला, लूट के इरादे से हत्या करने की कोशिश। दिल्ली के मांडावली में आग का तांडव, 2 घंटे में 11 घर 22 बाइक खाक। दिल्ली के किशनगढ़ में पानी को लेकर सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा, घंटों सड़क जाम रखा। अश्लील मैसेज और अनचाहे कॉल की वजह से सोनीपत में लड़की ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में 3 लड़कों पर परेशान करने का आरोप लगाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में बतौर कंपनी सेक्रेटरी काम कर रही लड़की के को अश्लील मैसेज फेसबुक के जरिए, युवक पर परेशान करने का आरोप, केस दर्ज। हरियाणा के रेवाड़ी में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 4 स्पा सेंटर से 19 लड़कियां और 9 लड़कों को पकड़ा। हरियाणा के सिरसा में आगजनी और हिंसा मामले में डेरा के 3 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित, पूरे शहर में पुलिस ने चस्पा किए पोस्टर। अंबाला जेल में कैद हनीप्रीत ब्यूटिशियन और कपड़े रंगने का कर रही है कोर्स, जेल प्रशासन की महिला कैदियों को स्वावलंबी बनाने की पहल। पंजाब के फरीदकोट में बर्फ की सिल्ली से निकली मरी हुई छिपकली, जांच के दायरे में बर्फ फैक्ट्री। पंजाब के तरन तारण में कुख्यात तस्कर जसकरण सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने 1 किलो हेरोइन को जब्त किया। पंजाब के फजिलका में गंदे पानी की सप्लाई के बाद बवाल, अफसर और नेता छुट्टियों में व्यस्त। मुंबई के दहिसर में मिलावटी से पूरी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, जहरीले तेल से किया जाता था तैयार, बड़ी मात्रा में माल जब्त। मुंबई में एक होटल के कमरे से 5 करोड़ रुपए के पुराने 500 और 1000 के नोट जब्त। मुंबई का पहला सी रेस्टोरेंट
आर्क डेक पानी में डूबा, हाई टाइड के चलते चट्टान से टकराकर हादसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शराब कारोबारियों के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, पुलिस के पहरे में बेची गई शराब। असम में कोपली नदी के बीचों बीच डूबी नाव, गांव वालों की मदद से 20 को बचाया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ऑटो चालकों की गुंडागर्दी, ड्राइवर्स ने दो सवारियों को मिलकर पिटाई की। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी धधक रहे जंगल, 21 जगहों पर आग। उत्तराखंड के रामनगर में बजरंग दल की गुंडागर्दी, नदी किनारे दोस्तों के साथ बैठी लड़की के साथ मारपीट और गाली गलौज। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री में 15 किलोमीटर लंबे जाम से यात्री हुए बेहाल, जाम छुड़ाने के चक्कर में जबरदस्त मारपीट। उत्तराखंड के टिहरी जिला मुख्यालय के पास जंगलों में सुलगी आग, लाखों की वन संपदा खाक। उत्तरकाशी के कंडियाल गांव में आग में जले 3 मकान, स्थानीय लोगों की जबरदस्त मशक्कत के बाद आग पर काबू। उत्तराखंड के जोशीमठ में 40% पानी के स्रोत डूबे, खड़ी हुई पानी की समस्या, विशेषज्ञों ने बताया ग्लोबल वार्मिंग का असर। कर्नाटक के बेंगलुरु में बच्चा चोरी करने के शक में भीड़ ने 26 साल के युवक को पीट पीट कर मारा, राजस्थान का रहने वाला है युवक। बच्चा चोरी के शक में गुंटूर से अब तक 5 लोगों को भीड़ ने मारा, पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया के अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी। हैदराबाद में खुले हौदे में गिरकर 16 महीने की बच्ची की मौत, परिवार वालों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। ट्यूटिकोरिन में हिंसा के बाद कन्याकुमारी में इंटरनेट पर प्रतिबंध हटा, राज्य सरकार ने हिंसा पर केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। त्रिची के सम्यापुरम मंदिर में हाथी ने ली महावत की जान, वन विभाग की मदद से काबू किया गया हाथी। सूरत के शोरूम में लूट का वीडियो वायरल, सीसीटीवी फुटेज में नजर आई लेडी डॉन। गुजरात के वडोदरा में 26 साल की लड़की की मुहिम, गरीब बच्चों की फीस के लिए दान में जुटाए 1 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में गर्मी का टॉर्चर, अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार, दोपहर के वक्त सड़कों पर पसरा सन्नाटा। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में 27 मई तक चलती रहेगी गर्मी, मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई के बाद मिलेगी थोड़ी सी राहत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगलों में लगी भीषण आग, गांव वालों की मदद से आग बुझाने की कोशिश। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।